यूपी से बिहार तक, पंजाब से मध्य प्रदेश तक लगातार ये कोहरे का प्रकोप और ये जबरदस्त ठंड की वजह से लोग परेशान हैं। सोनभद्र में 9 गायों की मौत हो गई एक जगह पर, बताया जा रहा है। प्रशासन रजाई तानकर सोता रहा, बेजुबान मरते रहे, लेकिन ठंड किस तरह से अब आफत जिंदगी पर ला रहा है उसकी रिपोर्ट देखिए। घने कोहरे में यूपी गायब है, बिहार की राजधानी पटना कोहरे में गुम है, घने कोहरे में पंजाब के कई शहर गायब हैं, मध्य प्रदेश तक कोहरे का साम्राज्य है। और इस कोहरे में ठंड की त्रासदी ये है कि हर कोई पनाह मांग रहा है। इंसान तो इंसान, इस ठंड से जानवरों की जान पर भी बनाई है। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के सोनभद्र लिए चलते हैं, यहाँ कैसे ठंड गायों के लिए काल बन गई है। यूपी के सोनभद्र में 3 दिन में 9 गायों ने तोड़ा दम। मरने के बाद लावारिस की तरह नदी नालों के किनारे फेंकी गई गाय, बेजुबानों पर ठंड और सिस्टम की डबल मार। ठंड में जानवर बोल नहीं सकते और सिस्टम कंबल रजाई ओढ़कर सोया है। यूपी में सोनभद्र के घोरावाल कोतावली क्षेत्र के गौ आश्रम केंद्र में पिछले 3 दिन में 9 गाय ठंड से दम तोड़ चुकी हैं। अब प्रशासन का इंतजाम देखिए, मरी हुई गायों को नदी और नालों के किनारे फेंक दिया गया, जबकि योगी सरकार ने बेजुबानों की हिफाजत के लिए सख्त आदेश दे रखे हैं। जब 9 गायें मर गईं, तब जाकर प्रशासन रजाई में से बाहर निकला है। ठंड से बचाव के उपाय भी हम लोगों ने कर रखे हैं, पर्याप्त मात्रा में कोट वगैरह भी बनवाए गए हैं और गर्म करने के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, इतना बजट नहीं है, फिर भी लकड़ी आज से गर्म करने की व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है और कराई भी गई थी। कुछ जानवरों के बारे में, चूंकि कमजोर जानवर भी हैं, ठंड ज्यादा है तो हो सकता है कुछ जानवर मरे हैं, हो सकता है नहीं, सूचना भी मिली है। आज भी रात में एक जानवर मरा है, लेकिन उसमें कोई, हम लोग अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत रहे हैं और यथासंभव उन्हें गर्म रखने का, गर्मी देने का प्रयास कर रहे हैं, खाने पीने के साथ साथ गर्मी का भी उपाय कर रहे हैं। यूपी में कितनी विकट की सर्दी पड़ रही है ये तस्वीरें बता रही हैं। अलीगढ़ में सूरज का अता पता नहीं है, भयंकर कोहरा छाया हुआ है, आमने सामने भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिन में वाहनों को भी लाइटें जलाकर चलना पड़ रहा है, डर ये है कि ये भयंकर कोहरा कोई एक्सीडेंट न करवा दे। हम साहब सिलीगुड़ी से आगे 100 किलोमीटर आगे मैनागुड़ी से कच्ची सब्जी भर के लाए हैं साहब, धुंध में 11 बजे यहाँ खड़े हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और कैसे जा रहे हैं, मंडी भी नहीं हो पाई हमारी, तो ये अलीगढ़ बाईपास पे अब स्थिति क्या है कि मंडी नहीं हो पाई है, खड़ी है गाड़ी यहाँ, आजादपुर मंडी में जाना था, अब आगे क्या, आगे अभी नहीं कुछ दिखाई दे रहा है, कैसे जाएं। मैं तो दिल्ली से आया हूँ, ये जाने की बिहार गाड़ी, अब स्थिति ऐसी है, बिल्कुल चलने लायक नहीं है, इतना कोहरा है। और ये हैं यूपी के गोरखपुर की तस्वीरें, पूरे शहर को कोहरे ने अपनी आगोश में ले रखा है। दिन में भी वाहनों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है, ऊपर से भयंकर ठंड ने जीना दुश्वार कर रखा है। ठंड की वजह से काफी समस्याएं चल रही है, जैसे कि गलन बहुत ज्यादा है, और लखनऊ से हम यहाँ तक आए, कहीं पे मतलब कि रास्ते में कहीं पे अलाव ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा है, और ये 4-5 दिनों से लगातार मौसम खराब होता ही आ रहा है यहाँ पे, और जैसे कि प्रशासन को चाहिए कि कहीं अलाव की व्यवस्था लगाएं लोगों को थोड़ा रुकने के लिए, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। गोरखपुर की इन तस्वीरों को देखकर ही कंपकपी महसूस होने लगती है, कोहरे ने रफ्तार ही रोक दी है, वाहन चल नहीं रहे हैं बल्कि रेंग रहे हैं। लखनऊ से आ रहा बहुत काफी है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई है, कम से कम तकरीबन 4 से 5 घंटा लगता लखनऊ से आने में, लेकिन तकरीबन हमको 7 घंटा लगा है लखनऊ से गोरखपुर पहुंचने में। काफी फाग है, तो ये कैसे आप लोग चल रहे हैं? बस दिक्कत हो रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं, वही 40-45-50 की स्पीड में चल रही हैं,
बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। यूपी के वाराणसी के घाटों पर ठंड और कोहरे से श्रद्धालु भी कांप रहे हैं, लेकिन आस्था के लिए कपकपाती ठंड से लड़ रहे हैं। ठंड तो रोज के अपेक्षा आज अधिक है। आज सबसे अधिक रात्रि में ठंडी थी, जो कि हमने तीन तीन कंबल ओढ़े थे, फिर भी मुझे ठंड महसूस हो रही थी। और ये बिहार की राजधानी पटना है। कोहरा पूरी तरह से छाया हुआ है, दिन में भी धुंध छाई हुई है और गाड़ियों की हेडलाइट नजर आ रही है। कोहरे के साथ साथ ठंड भी शिद्दत की है। बहुत ठंड है सर, इतना हाथ देखते हैं लोहा हो जा रहा है, जैसे निकालते हैं अगर इसके अंदर भी रखते हैं तो यहाँ से चिल्ड हो जा रहा है, इतना बहुत मुश्किल है, पता नहीं कब इससे निजात मिलेगी। बहुत परेशानी हो रही है हम लोग को, बहुत दिक्कत हो रहा है ड्यूटी जाने आने में, बहुत ज्यादा ठंड हो गया आजकल, ये दो तीन रोज से बहुत ज्यादा ठंड गिरा दिया। बिहार की राजधानी पटना समेत सूबे के करीब 20 जिलों में अधिकतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है। गया, नालंदा, शेखपुरा, भोजपुर, जहानाबाद, रोहतास, लखीसराय, बेगूसराय, नवादा, बक्सर, अरवल समेत कई जिलों में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। बिहार के करीब 20 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी किया गया है। पटना मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आज तक ब्यौरा।